नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। हम हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आज मैथमेटिक्स की ये अपनी थर्ड क्लास है। बीएससी पार्ट थर्ड में अपन ग्रुप थ्योरी चालू कर रखे थे, इसकी ये थर्ड क्लास है। और अपन लास्ट जो क्लास थी उसमें ग्रुप से संबंधित तीन क्वेश्चन कर लिए थे। तो दोस्तों, अपने को कुछ विशेष बातें पता रखनी है कि कभी भी अपने को किसी में भी ग्रुप सिद्ध करना है तो अपने को एक नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा, उसके साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा, उसको ग्रुप सिद्ध करना है। अगर अपने को जो नॉन एम्प्टी सेट दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो जब भी उसको ग्रुप सिद्ध करना पड़ता है तो अपन एक संक्रिया सारणी टेबल बनाते हैं। टेबल में अपने बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखते हैं। अगर अपने को क्रम विनिमय ग्रुप सिद्ध करना है तो उसमें अबेलियन की कंडीशन और देख लेते हैं। तो अपन ने कल तीन क्वेश्चन किए थे, उसके आगे अपन फोर्थ क्वेश्चन जो है अपना वो देखते हैं। अपने को दिया गया है सिद्ध करो कि समुच्चय एक सेट दे रखा है, सिद्ध करो कि प्रूव दैट सेट जी एक सेट दे रखा है ए बी सी डी, चार मैट्रिक्स का एक सेट दे रखा है। वे आर अपने पास जो मैट्रिक्स हैं उसमें ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो देखने से ही पता है अपने को। दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं ये। बी जो मैट्रिक्स है वो अपने को दे रखी है जीरो माइनस वन वन जीरो। जो सी दे रखा है वो दे रखा है माइनस वन जीरो माइनस वन। और जो डी दे रखा है वो अपने को दे रखा है जीरो माइनस वन वन जीरो। ये अपने को देख रखे हैं। और अपने को मैट्रिक्स गुणन के लिए अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, इसको मैट्रिक्स गुणन के लिए तब सिद्ध करो कि तब प्रूव कि जो जी है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो दोस्तों, अबेलियन ग्रुप करना है तो अबेलियन ग्रुप का मतलब है पहले तो ग्रुप सिद्ध करना है, फिर अपने को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दिखाना है तो अपना अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अपने को ये जो सेट दे रखा है उसमें चार एलिमेंट है। अब ये एलिमेंटों के बारे में ये नंबर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये मैट्रिक्स हो सकता है ये फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनके अंदर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आ रहे थे, और अब की बार ये जो चार एलिमेंट हैं वो मैट्रिक्स दे रखे हैं। चार मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये दो क्रॉस दो की चार मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जी है वो फाइनाइट सेट है। अच्छा, जी तो फाइनाइट सेट है, चलो जी अपने को दिया है। और जो संक्रिया अपने को दी है, जो संक्रिया दी है वो दी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अपने को संक्रिया दी है। तो टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। तो टेबल कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन पार्ट में अपन चले। तो सॉल्यूशन पार्ट में अपन चले तो गिवन ए, दोबारा से लिखते हैं इनको। अपने को दिया है वन जीरो जीरो वन, बी है वो दिया है जीरो वन माइनस वन जीरो, सी जो है वो दिया है माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, और जो डी जो दिया है वो दिया है जीरो माइनस वन वन जीरो। अब दोस्तों, संक्रिया सारणी अपने को बनानी है, क्योंकि फाइनाइट सेट को जब भी अपन ग्रुप सिद्ध करते हैं तो अपने को टेबल बनानी पड़ती है संक्रिया सारणी। तो बात करें संक्रिया सारणी की, तो संक्रिया सारणी जो बनाएंगे उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है तो डॉट, या ए या बी या सी या डी, चार मैट्रिक्स, ये ए ये बी ये सी ये डी। अब दोस्तों, यहाँ पे अपन देखें ए जो है, ए है वो है वन जीरो जीरो वन,
इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखने से ही पता लग रहा है जीरो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ये ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए को बी से गुणा करेंगे तो बी आएगा, ए को सी से करेंगे तो सी आएगा, ए को डी से करेंगे तो डी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जिस भी एलिमेंट से गुणा होता है उस एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ अगर आप ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो हमेशा बी आने वाला है, ए को चाहे सी से करो चाहे सी को ए से करो आने वाला है सी, ए को डी से करो चाहे डी को ए से करो आने वाला है डी। क्यों? क्योंकि ए क्या है? आइडेंटिटी। इस आधार के ऊपर ये अपन टेबल कंप्लीट करते हैं। ए को ए से आइडेंटिटी, को आइडेंटिटी से किया तो ए, ए को बी से किया बी सी डी, और बी को ए से किया तो बी सी डी। इतनी टेबल तो अपनी बन गई। अब अपने को मल्टीप्लाई करके देखना है। अब करना है बी को बी से गुणा, तो क्या आता है? तो बी क्या है अपना? बी है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, बी को गुणा करना है बी से। इसका मतलब बी क्या है? 0 - 1 - 1 - 0, ये बी है, इसको बी से गुणा करना है तो 0 - 1 - 1 - 0। इसको गुणा किया तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 0 को 0 से किया 0, फिर इसको इससे किया -1 और उन दोनों को जोड़ देते हैं तो -1, इसको इससे किया उनको जोड़ो 0, इसको इससे करो उनको जोड़ो 0, इसको इससे करो -1। तो दोस्तों ये जो आया है वो c निकल के आया है, b को b से गुणा करने से c आया है, इसका मतलब b को b से गुणा करके c मैंने लिख दिया। अब b को c से गुणा करना है तो b को गुणा करना है c से, तो b तो क्या है? 0 - 1 - 1 - 0, ये तो b है, और c क्या है? -1 - 0 - 0 - 1, ये c। इनको गुणा किया तो -1 ये 0 ये 0 तो 0, इसको इससे किया तो -1, इसको इससे किया तो +1, इसको इससे किया तो 0। तो दोस्तों ये क्या निकल के आया? ये निकल के है D। इसका मतलब ये जो बना वो बना D। अब B को गुणा करना है D से, अब B को गुणा करना है D से, तो B क्या है? B है 0 - 1 - 1 - 0, इसको करना है D से, D क्या है? 0 - 1 - 1 - 0। तो देखते हैं इसको इससे तो 1, इसको इससे तो 0। देखो गुणा करना तो आपको आना ही चाहिए, ये 1, ये क्या निकल के आ गया? A निकल के आ गया, इसका मतलब A। और वैसे भी जब B C D आ गए तो A ही आएगा। अब C को B से गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं C को B से, तो C क्या है? -1 - 0 - 0 - 1। B कहाँ है? 0 - 1 - 1 - 0, तो गुणा किया तो ये 0, फिर ये किया तो -1, ये किया तो 1, और ये किया तो 0। ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आया है D। क्या निकल के आया? D। इसका मतलब C को B से गुणा किया तो निकल के आया है D। अब करते हैं C को C से, तो C कहाँ है? -1 - 0 - 0 - 1, और -1 - 0 - 0 - 1, तो 1, फिर अगला ख़त्म, ये ख़त्म, कुल मिला के ऐसा बनेगा, और ये बन गया आइडेंटिटी A। तो यहाँ लिख दिया आइडेंटिटी। अब C को D से गुणा करो, अब गुणा करो C को D से, तो -1 - 0 - 0 - 1, और D कहाँ है? D ये रहा, 0 - 1 - 1 - 0, गुणा किया तो ये ख़त्म, 0, ये 1, ये -1, और ये 0। तो दोस्तों ये जो बन के आया है वो बन के आया है B। इसका मतलब ये जो बन के आया वो बन के आया B। अब करते हैं D को A से, D को B से, D को गुणा करते हैं B से, तो D जो है वो है 0 - 1 - 1 - 0, और जो B है वो है 0 - 1 - 1 - 0, तो गुणा किया तो बना ये 1,
जीरो जीरो और वन वन जीरो जीरो और वन। डी को बी से, डी को बी से, डी तो क्या है ओके और बी ये है जीरो वन माइनस वन जीरो डी ओके ओके और बी है ठीक है, इसको इससे वन, इसको इससे जीरो ओके ओके जीरो और ये वन, तो निकल के आ गया ए। डी को बी से किया तो ए। अब डी को करते हैं सी से, डी को करते हैं सी से। डी क्या है जीरो माइनस वन वन जीरो और जो सी है वो है माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, तो जीरो वन माइनस वन जीरो और ये जो बन के आया वो बन के आया बी, क्या बन के आया ये बी, तो ये बन के आया बी। ओबियसली ये सी बनेगा लेकिन देख लेते हैं एक बार अपन डी को डी से गुणा करके। डी है वो कहाँ है जीरो माइनस वन वन जीरो, जीरो माइनस वन वन जीरो, तो गुणा करते हैं माइनस वन जीरो जीरो और माइनस वन, तो ये बना सी। तो दोस्तों ऐसे अपने को पूरी टेबल बनानी है ये मल्टीप्लिकेशन करके। अब टेबल बन गई, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ये तो पूरा का पूरा ऐसे करना है। अब सबसे पहले लिखेंगे संवर्तता, क्या लिखेंगे संवर्तता, जिसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में दोस्तों अपन ये लिखेंगे कि बताओ ये जो टेबल बनाई है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या कि जो सेट जी के बाहर है, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि किन्हीं भी दो एलिमेंटों को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे बी को बी से करो, बी को सी से करो, सी को बी से करो, तो जो भी एलिमेंट बन के आ रहा है वो इस सेट का ही आ रहा है। इसका मतलब संवर्तता नियम की पालना हो गई। तो क्या लिखेंगे, संक्रिय सारणी से स्पष्ट है कि, संक्रिय सारणी से स्पष्ट है कि सेट जी में गुणन संक्रिया, सेट जी में गुणन संक्रिया संवर्त है या फिर संवर्तता नियम के पालन करती है। अब दोस्तों मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा इसको, मैं हटा देता हूँ। संवर्तता के बाद में अपनी ये तो जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, संवर्तता जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोले तो साहचर्यता। तो मैं साहचर्यता नियम को दोस्तों दो प्रकार से लिख सकता हूँ, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स होती हैं वो हमेशा साहचर्य नियम की पालना करती हैं, या तो ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर कोई भी तीन मैट्रिक्स लेके मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, देखना आप। तो लिखना सेट जी का प्रत्येक एलिमेंट, लिख सकता हूँ सेट जी का प्रत्येक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है, सेट जी का प्रत्येक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है तथा मैट्रिक्स सदैव साहचर्यता नियम की
पालना करती है। सेट जी का प्रत्येक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है तथा मैट्रिक्स सदैव सात नियम की पालना करती है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या भाई मान लो कि बी सी और डी तीन मैट्रिक्स हैं जी की, ठीक है, तो एक बार तो आप बी को सी से गुणा कर लो और डी को बाद में गुणा कर दो, और एक बार आप बी को अलग निकाल लो और सी और डी को पहले गुणा कर दो और बाद में बी, अगर दोनों बराबर आते हैं तो सात सरिया का नियम हो जाएगा। तो देखो बी को सी से गुणा किया, तो बी को सी से, बी को गुणा किया सी से, तो बी को सी से गुणा करने से बताओ क्या आया टेबल में, बी को सी से गुणा करने से आया डी, तो बी को सी से गुणा किया डी, तो डी डॉट डी, बी को सी से किया डी, अब डी को डी से करो तो क्या आया सी, अब ठीक है बी डॉट सी को डी से करो, सी को गुणा करना है डी से, तो सी को डी से किया तो बी, और बी डॉट बी कहाँ है, बी को बी से किया तो सी। तो कहने का मतलब मैंने बी डॉट सी डॉट डी को बी डॉट सी डॉट डी लिख दिया, ठीक है, तो ये सातसरिया नियम हो गया। अच्छा अब दोस्तों तीसरा है तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो बताओ यहाँ तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव होगा वो तत्समक मैट्रिक्स होगा, और तत्समक मैट्रिक्स अपने को देखने से ही पता लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कैपिटल ए है, या फिर आप देख लो इसकी फोटोकॉपी ये मिल रही है, इसकी फोटोकॉपी ये मिल रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट है वो क्या है तत्समक अवयव, और मैट्रिक्स में तो सीधा ही अपने को पता लग रहा था 1001 था, तो मैं क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि ए 1001 बिलोंग्स टू जी की तत्समक मैट्रिक्स है, बिकॉज क्योंकि मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ए को बी से गुणा किया तो बी आया, और बी को ए से गुणा किया तो भी बी आया, ए को सी से गुणा किया तो सी आया, सी को ए से गुणा किया तो भी सी आया, ए को डी से गुणा किया तो डी आया, और डी को ए से गुणा किया तो भी डी आया, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि अपन ने तत्समक की परिभाषा ये पढ़ी थी कि भाई एक एलिमेंट है ई को ए से ऑपरेट करने से ए आए और ए स्टार ई, तो जो ई होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो ये जो है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव का प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो दोस्तों देखो यहां से ए तो है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का प्रतिलोम तो आइडेंटिटी होता है, अब बी को मैं किस से गुणा करूं कि आइडेंटिटी बन जाए, तो बी को गुणा कर रहा हूं डी से, बी को गुणा कर रहा हूं डी से, तो आइडेंटिटी बन रहा है, इसका मतलब बी का प्रतिलोम डी, इसका मतलब बी का प्रतिलोम डी, बी को मैं किस से गुणा करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए, तो बी को डी से गुणा कर रहा हूँ तो बी का प्रतिलोम डी, इसका मतलब बी का प्रतिलोम डी है तो डी का प्रतिलोम बी होगा, देख लो चाहे डी को बी से किया तो ए आ गया, तो बी का प्रतिलोम डी, डी का प्रतिलोम बी, आइडेंटिटी है ए, ए का प्रतिलोम खुद, तो ए का प्रतिलोम तो खुद बी का प्रतिलोम डी और डी का प्रतिलोम बी, अब बचा कौन सा सी, इसका मतलब सी का प्रतिलोम खुद सी होगा, तो देखो सी को सी से किया तो आइडेंटिटी, राइट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि ए बी सी डी के प्रतिलोम क्रमशः, देखो क्या है, ए का प्रतिलोम ए, बी का प्रतिलोम है डी, सी का सी और डी का बी होंगे, प्रतिलोम हो गया। तो अब ग्रुप तो हो गया, अतः जी
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब ग्रुप बनाता है तो एक चीज और पूछा था अपने को, अबेलियन ग्रुप पूछा था, तो अबेलियन की कंडीशन और बता देते हैं। तो मैं थोड़ा इसको और हटा देता हूं या फिर यहां कर लेते हैं। पांचवा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है क्रम विनिमय नियम। तो दोस्तों इसमें देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति जो है उसके संगत स्तंभ के तुल्य है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर इसको आप ये अंदर वाली को चार क्रॉस चार की मैट्रिक्स माने तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, एक सममित मैट्रिक्स बनेगी। तो वही तरीका है जैसा कि और क्वेश्चन में किया है। तो मैं बोलूँगा कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सम्मित है। प्रत्येक पंक्ति है वो संगत स्तंभ के सम्मित है। अतः है जी डॉट, ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो जी डॉट बना वो अबेलियन ग्रुप बना। तो दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर उसके जैसे ही अपन प्रत्येक प्रॉपर्टी को करते जाते हैं। तो दोस्तों इसको राइट डाउन करो और समझो एक बार। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा लेंदी है वो। अब सिक्स और सेवन दो एग्जांपल हैं। सिक्स और सेवन है, उनके अंदर जैसे मैं बता रहा था, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट देता है उसके अंदर कई बार एलिमेंट दे देता है वो। जैसे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया था। अब जो सिक्स और सेवन क्वेश्चन में उसके अंदर वो नॉन एम्प्टी सेट के जो एलिमेंट दे रहा है वो फंक्शन है। नॉन एम्प्टी सेट के जो एलिमेंट दे रहा है वो फंक्शन है, और फंक्शन के साथ में अपन जानते हैं संक्रिया क्या है, ओ होती है, ओ जिसको संयुक्त फलन संक्रिया बोलते हैं। ऐसे पढ़ा है ना अपन ने, एफ ओ जी जी ओ एफ, तो ओ होता है वो बीच में, उसको बोला जाता है, संयुक्त फलन संक्रिया। तो फंक्शन में संयुक्त फलन संक्रिया है। तो ये जो एग्जाम्पल सिक्स एंड सेवन है वो फंक्शन के हैं। तो सेवन आपको करना है, सिक्स मैं खुद करवाता हूँ। एग्जाम्पल सिक्स है, दे रखा है कि अपने को, मान लो कि आप कोई भी एक सेट दे रखा है जी, और जी सेट के अंदर f1, f2, f3, f4 ये चार फंक्शन दे रखे हैं। f1, f2, f3, f4 चार फंक्शन दे रखे हैं, और सात के अंदर ये दे रखा है एंड f1, अब फंक्शन है उसके ऊपर कोई ना कोई x ऑपरेट होता है, तो f1 x का मान x दे रखा है, f2 x का मान इसने दिया है -x, f3 जो x है उसका मान इसने दिया है 1/x, और f4 x है उसका मान दिया है -1/x। अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R नोट के ऊपर ये f1 f2 f3 f4 जो हैं, f1 f2 f3 f4 जो हैं वो हैं एक की आच्छादक फलन,
ये जो अपने को दिए हैं वो दिए हैं 1111 ऑन टू फंक्शन, एक है कि आज तक फलन दिए हैं 1111 ऑन टू फंक्शन है, आर नोट के ऊपर परिभाषित है। संक्रिया दी है अपने को संयुक्त फलन संक्रिया, संक्रिया अपने को दी है संयुक्त फलन संक्रिया। जो संक्रिया है वो क्या कौन सी है, संयुक्त फलन संक्रिया, जिसको अपन इस ओ से दर्शाएंगे संयुक्त फलन संक्रिया। तो अपने को बताना है कि जी है जो नॉन एम्प्टी सेट जी है वो इस संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या बनाएगा, वो जी जो है इस संयुक्त फलन संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप पूछ रहा है क्या, हाँ अबेलियन ग्रुप पूछ रहा है। तो जी है जो नॉन एम्प्टी सेट है वो इस संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या पूछा है, अबेलियन ग्रुप पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो वो का वो है, कोई दिक्कत नहीं है, अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा। अबेलियन ग्रुप बताने के लिए अपने को क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, पांच प्रॉपर्टी अपने को सेटिस्फाई करनी है। लेकिन इसके अंदर जो टेबल बनानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर टेबल बन गई तो फिर तो अपन टेबल के अनुसार सब कुछ लिख देंगे। तो सोल्यूशन पार्ट में अपन चलते हैं इसमें, तो सोल्यूशन में देखते हैं गिवन जो नॉन एम्प्टी सेट, जो गिवन नॉन एम्प्टी सेट दिया है जी, उसके एलिमेंट अपने को फंक्शन दिए हैं f1 f2 f3 f4 फंक्शन दिए हैं और फंक्शन को परिभाषित भी करके दिया है सच दैट इस प्रकार हैं कि किस प्रकार हैं f1x बराबर x, तो f1x बराबर x तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया भाई, x के ऊपर ऑपरेट होने से x ही दे रहा है तो ये तो दिख ही रहा है, यहाँ से ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। f2x बराबर माइनस x, f3x बराबर 1/x और f4x बराबर माइनस 1/x। और दोस्तों ये x लेंगे अपन और x जो लेंगे वो आर नोट अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से x लेंगे जिसके ऊपर अपना जो फंक्शन है वो परिभाषित कर रखे है। अब सबसे पहले तो अपने को बनाना पड़ेगा संक्रिया सारणी, तो संक्रिया इम्पोर्टेंट यही है जो ऑपरेशनल जो टेबल होती है संक्रिया सारणी जो होती है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर संक्रिया सारणी बन गई तो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्तों इसमें संक्रिया सारणी कैसे बनेगी, देखो ये तो है संयुक्त फलन संक्रिया जिसको ओ से दर्शाएंगे, यहाँ लिखेंगे f1 f2 f3 f4 f1 f2 f3 f4। देखो दोस्तों शायद हो सकता है आपको नहीं दिखे तो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ इसको, f1 f2 f3 f4 f1 f2 f3 f4 f1 तो यहाँ से दिख ही रहा है, क्या लिखूँगा, क्योंकि f1 ऑफ x बराबर x कि x के ऊपर ऑपरेट होने से f1 ने x ही बनाया, इसका मतलब जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के ऊपर ऑपरेट होने से x बना रहा है, इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अच्छा तो यहाँ से बोलूँगा अतः f1 तत्समक फलन है, f1 तत्समक फलन है, जिस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वैसा ही बना रहा है, जैसे 1 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो 1 बना रहा है, 2 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है 2 बना रहा है, तो f1 तत्समक फलन है, तो तत्समक फलन है। तो अब देखो दोस्तों f1 को आप f2 से ऑपरेट करते हो तो f2 आएगा, अच्छा और f2 को f1 से ऑपरेट करते हो तो भी f2 आएगा, क्योंकि f1 को आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ से देखने से पता लग रहा है। f1 को f3 से ऑपरेट करते हो तो f3 आएगा और f3 को f1 से ऑपरेट करते हो, f1 को f4 से ऑपरेट करते हो तो f4 आएगा और f4 को f1 से करते हो तो भी f4 आएगा। तो टेबल जितनी बन सकती है उतनी तो बना लेते हैं अपन, f1 को f1 से क्या तो f1, f2 से क्या f2, f3, f4, f2 को f1 से क्या तो f2, f3,
F4, ये टेबल बन गई। अब F2 को F2 से करते हैं, नाउ अब करते हैं F2 O F2, F2 को F2 से और X अपने को लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो फलन है वो ये पूरा का पूरा एक फलन बनेगा, वो भी तो किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा, X एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा F2 ऑफ F2 X, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये F2, ये X सबसे पहले F2 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, फिर जो बन के आएगा उसके ऊपर ये F2 ऑपरेट होगा। सबसे पहले तो X है वो F2 के ऊपर ऑपरेट होता है, फिर जो फंक्शन बन के आएगा उसके ऊपर है ये बार वाला जो F2 है वो ऑपरेट होगा। अब F2 X, F2 X, F2 X का मान कितना है, F2 क्या करता है, F2 जब भी F2 X के ऊपर ऑपरेट होता है तो उसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये माइनस एक्स हो गया, F2 X की जगह माइनस एक्स। अब F2 है वो X के ऊपर ऑपरेट होता है तो माइनस वन आता है, कहने का मतलब जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसका सिग्न चेंज कर देता है, यही तो है ना F2 की प्रॉपर्टी, F2 जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसका सिग्न चेंज कर देता है। तो मेरे को ये बताओ कि F2 जो है वो माइनस एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या बनाएगा, प्लस एक्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि F2 है वो तो एलिमेंट का सिग्न ही चेंज कर रहा है ना, यहाँ से देखो x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो माइनस एक्स बना रहा है, तो माइनस एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा तो इसका सिग्न चेंज करेगा, तो इसके ये जो एलिमेंट है उस पूरे के आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स बन गया। अच्छा एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ वन एक्स, क्योंकि एक्स तो किसके बराबर है, एफ वन एक्स। तो कुल मिला के ये बना कि F2 को आपने F2 से गुणा किया, अब X दोनों तरफ से हटा देते हैं तो क्या आया F1, F2 को F2 से गुणा करने से F1 आया, तो F2 को F2 से गुणा करो तो यहाँ लिखो F1। अब F2 को F3 से करते हैं, अब करते हैं F2 को F3 से, अब तो आप समझ जाओगे F2 F3X F2 F3X, F3X कितना है 1 by X, F3X कितना है 1 by X। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था F2 का काम क्या है, वो X जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसका सिग्न चेंज कर देता है, तो 1 by X के ऊपर ऑपरेट होगा तो माइनस 1 by X बनाएगा, और माइनस 1 by X को मैं क्या लिख सकता हूँ F4X, माइनस 1 by X को F4X। तो कहने का मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि F2 को अपन ने F3 से गुणा किया तो क्या निकल के आया, F4 निकल के आया, X से X कटा। और दोस्तों आप इसको गुणा करके देख लेना ये F3 आएगा, क्योंकि पूरी लाइन में एक बार तो F1, F2, F3, F4 आने चाहिए, तो यहाँ F2, F1, F4 आ गया तो बचा क्या F3, वो F3 लिख दिया। अच्छा F3 को F2 से करो, F3 को F2 से, तो F3 को F2 से करना है तो F3 ऑफ F2X, F3, F2X कहाँ है ये, F2X का मान कितना है माइनस एक्स। अब F3 क्या करता है, F3 जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसको वन अपॉन में चेंज कर देता है, F3 जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसको वन अपॉन में चेंज कर देता है, तो बताओ F3 माइनस एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा तो माइनस वन अपॉन एक्स बनाएगा, और माइनस वन अपॉन एक्स को मैं एफ फोर एक्स लिख सकता हूँ, तो बताओ ओवरऑल ये ऐसे बना या नहीं बना एफ थ्री ओ एफ टू बराबर एफ फोर, तो ये बन गया दोस्तों एफ फोर, ये एफ फोर बन गया, तो बताओ एफ वन एफ टू आ गया, एफ वन आ गया, एफ फोर, तो यहाँ के क्या बचा एफ थ्री बचा, वो एफ थ्री लिख दिया। अब एफ थ्री को एफ थ्री को एफ थ्री से गुणा करते हैं, F3 O F3X, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F3 F3X F3। दोस्तों F3 क्या करता है, जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है उसको वन अपोन में चेंज कर देता है, इसका मतलब वन अपोन X। अब देखो F3 क्या करता है, जिस भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वन अपोन में चेंज करता है, अब ये पूरा एलिमेंट है तो इसको वन अपोन वन बाई एक्स में चेंज करेगा, तो कुल मिला के एक्स, और एक्स को एफ वन एक्स, और एफ वन एक्स तो मैं ये लिख सकता हूँ F2 O F3 बराबर F1। तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि F2 O F3 बराबर क्या आया F1, तो यह आ गया F1।
अब ये F1 आ गए तो इस लाइन में क्या बच रहा है, F2, ये F2 कर दिया। F3, F4, F1 आ रहा है तो यहाँ क्या बच रहा है, F2, और इस लाइन के अंदर क्या बच गया, F1। ये पूरा मैंने बना लिया, क्योंकि एक लाइन में कोई भी एक एलिमेंट या एक फंक्शन दो बार नहीं आ सकता। तो ये मेरी संक्रिया सारणी बन गई। संक्रिया सारणी बना लो और उसके बाद में बहुत आसान है अब आगे। तो दोस्तों मैं इसको उठा देता हूँ, ये अपन ने संक्रिया सारणी बना ली है, एक बार देखो आप इसको, फिर इसके आगे मैं चलता हूँ। तो अब एक एक प्रॉपर्टी अपन लिखते जाते हैं। अब तो बहुत आसान है, आप भी कर लोगे। अब सारा काम संक्रिया सारणी का है। अब लिखते हैं पहला समर्थता। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अपन ये लिखेंगे, बताओ संक्रिया सारणी का कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या कि नॉन एम्प्टी सेट जी का है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव वो की वो लैंग्वेज है, एक बार लैंग्वेज याद होगी हर क्वेश्चन में वो ही चिपका लो। संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव सेट जी का अवयव है, अतः संयुक्त फलन संक्रिया जी में एक समर्थ संक्रिया है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको साचर्य नियम बोला जाता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो जी के एलिमेंट हैं वो फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा एसोसिएटिव नियम की पालना करते हैं। दोस्तों याद रखना, जो मैट्रिक्स और जो फंक्शन होते हैं, मैट्रिक्स और फंक्शन होते हैं, वो कम्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है, FOG जरूरी नहीं कि GOF के बराबर हो, और AB मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि BA मैट्रिक्स के बराबर हो। तो फंक्शन और जो मैट्रिक्स होते हैं वो कम्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन और मैट्रिक्स हमेशा साचर्य नियम की पालना जरूर करते हैं। याद रखना, फंक्शन और मैट्रिक्स हैं वो क्रम विनिमय हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन साचर्य हमेशा होते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी का प्रत्येक अवयव एक फलन है, तथा फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं। अगर तीन फंक्शन को लेके अपन बात करें तो मान लेते हैं जैसे F2, F3, F4, ये तीन फंक्शन हैं जी के। तो F2 को F3 से संयुक्त फलन संक्रिया लगाओ, उसके बाद में जो बनता है उसको F4 लगा दो। एक बार आप F2 को बाहर निकाल लो, F3 ओ F4। तो F2 को F3 से किया, तो क्या निकल के आया, F4। क्या निकल के आया, F4। ये तो F4 ओ F4, ये वाला F4। ये F4 को F4 से किया तो F5। अब देखो F2 ओ F3 को F4 से करो, F3 को F4 से किया तो F2, और F2 को F2 से किया तो F2 को F2 से किया तो F1। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव नियम की पालना हो गई। अब आगे करते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो तत्समक तो अवयव जो होगा वो तत्समक फलन होगा, और तत्समक फलन क्या होगा वो आपको दिख रहा है, F1 होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं तत्समक अवयव का
तत्समक अवयव का अस्तित्व है। मैं क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि यहां तत्समक अवयव F1 है और F1 को मैं ये बोल सकता हूँ तत्समक फलन। क्यों है, साथ में ये भी लिख लो कि F1 को गुणा किया है F2 से, तो F2 आया। ये जो शुरू में लाइन लिखी थी उसको फिर से लिख सकते हैं, F2 को F1 से, F1 को F3 से किया तो F3 आया, और F3 को F1 से किया, F1 को F4 से किया तो F4 आया, F4 को तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तो तत्समक अवयव हो गया F1, अब आएगा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो एक एलिमेंट तत्समक हो गया, अब तीन बचे, तीन में से एक का प्रतिलोम दूसरा होगा और फिर एक बचा हुआ है वो खुद सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव का ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है तीनों सेल्फ इनवर्स हो जाए वो देख लेंगे अभी। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में चूंकि F1 को F1 से किया तो आइडेंटिटी आया, ठीक है, F2 को F2 से करो, F2 को F2 से किया तो भी आइडेंटिटी आया, F2 को F2 से किया तो भी आइडेंटिटी आया, F3 को F3 से किया तो भी आइडेंटिटी आया, और F4 को F4 से किया तो भी आइडेंटिटी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 को F1 से किया तो आइडेंटिटी है, F2 को F2 से किया तो आइडेंटिटी है, F3 को F3 से किया तो आइडेंटिटी है, F4 को F4 से किया तो आइडेंटिटी है। इसका मतलब F1 का प्रतिलोम F1, क्योंकि F1 तो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा खुद होता है, F2 को F2 से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब F2 का प्रतिलोम खुद F2, F3 का प्रतिलोम भी F3, F4 का प्रतिलोम भी F4, तो एक क्लाइन फोर ग्रुप की तरह हो गया है कुल मिला के। मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव, प्रत्येक फलन स्वयं का प्रतिलोम फलन है, स्वयं का प्रतिलोम, प्रत्येक एलिमेंट है वो स्वयं का प्रतिलोम है। अच्छा, एक अतः मैं ये बोल सकता हूँ, अतः GO ये संयुक्त फलन संक्रिया यू नॉन एम्प्टी सेट एक ग्रुप है, क्या एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है उसको मेरे को अबेलियन ग्रुप और बताना है, अबेलियन ग्रुप बताने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो कम्यूटेटिव में क्या लिखूंगा कि देखो दोस्तों ये पहली रो और ये पहला कॉलम सेम, दूसरी रो दूसरा कॉलम सेम, तीसरी रो तीसरा कॉलम सेम, चौथी रो चौथा कॉलम सेम, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे कि जो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें लिखेंगे स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक रो प्रत्येक पंक्ति संगति स्तंभ के सम्मित है, संगति स्तंभ के सम्मित है, अतः GO एक अबेलियन ग्रुप है, और GO जो बना वो क्या बना, एक अबेलियन ग्रुप बना। तो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन था, एक फंक्शन का क्वेश्चन था, इसको अपन ने किया है, तो इसको ध्यान से समझो उतारो, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं।
दोस्तों ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है। मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 8, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है आर एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसको परिमेय मान लो, इसको रियल कर लेना कि आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और ए और बी दो एलिमेंट हैं आर के, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ए और बी दो एलिमेंट हैं आर के, वो कैसे हैं देखो कैसे हैं, ए को ये संक्रिया दी है दोस्तों, ए को बी से, इसको मैं एक तो रिंग बनी हुई है उसके अंदर डॉट है, तो रिंग डॉट ए रिंग डॉट बी कैसे परिभाषित करके दिया है, अब जैसा ये परिभाषित करके दिया है वैसा अपने को मानना है, ये परिभाषित करके दिया है ए प्लस बी माइनस ए ए बी, ऐसे परिभाषित करके दिया है, तो अपन पूरा क्वेश्चन करेंगे उसमें जहाँ भी ए रिंग डॉट बी आएगा उसका मतलब अपने को क्या समझना है कि ए को बी में जोड़ना है, फिर इन फिर जोड़ के जो आएगा उसमें से ए बी को क्या करना है घटाना है, तब निम्न नियमों की जांच करो, तब निम्न नियमों की जांच करना है आपको, कौन से नियमों की जांच करना है, पहला जो नियम है वो कम्यूटेटिव नियम के चेक करना है, दूसरा एसोसिएटिव नियम चेक करना है, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, और जो चौथा चेक करना है वो करना है आर के किन अवयवों का प्रतिलोम है तथा क्या है, आर के किन अवयवों का प्रतिलोम है तथा क्या है, चौथा अपने को चेक करना है आर के किन अवयवों का प्रतिलोम है, तथा प्रतिलोम है तथा क्या है, ये चार चीजें अपने को चेक करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन दोस्तों इसमें चले तो अपने को दिया है कि ए रिंग डॉट बी अपने को दिया है, अपने को ए और बी जैसे दो एलिमेंट हैं रियल नंबर के, तो इनको परिभाषित करके इसने दिया है ए रिंग डॉट बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कम्यूटेटिव नियम, सबसे जो पहला नियम अपने को चेक करना है वो कौन सा नियम चेक करना है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर अपन दोस्तों क्या करेंगे कि देखो ए रिंग डॉट बी को इसने लिखा है पहला एलिमेंट, इसको आप ऐसे समझो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहला इंटू दूसरा, इसको दे दिया इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छा अब अपन ये जानते हैं कि ए और बी हैं वो रियल नंबर हैं, रियल नंबर है, तो दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि चाहे ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, बताओ कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, अगर दो रियल नंबर हैं उसमें ए प्लस बी लिख दो चाहे बी प्लस ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एंड आप ये भी समझते हो कि चाहे ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है रियल नंबर में, ऐसा होता है आगे पीछे गुणा कर सकते हैं,
अगर ऐसा है तो बाई इक्वेशन वन मैं बात करना चाहूँ तो बाई इक्वेशन वन जो था ए रिंग डॉट बी जो था ए प्लस बी माइनस ए बी था। तो देखो ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बी प्लस ए, माइनस ए बी को क्या लिख सकता हूँ बी ए। तो दोस्तों ये क्या बन गया बी रिंग डॉट ए, क्यों? क्योंकि पहले बी फिर ए माइनस बी है, तो ए रिंग डॉट बी बराबर बी रिंग डॉट ए हो गया। तो ये तो कम्यूटेटिव ला, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि अपन ने ए रिंग डॉट बी बराबर बी रिंग डॉट ए अपन ने सिद्ध कर लिया। दूसरा जो नियम है, दूसरा जो नियम है वो अपन बात करें एसोसिएटिव ला की। दूसरा जो नियम बात करें एसोसिएटिव एसोसिएटिव ला की अपन बात करें तो एसोसिएटिव में मैंने आपको बताया तीन एलिमेंटों की जरूरत होती है। तो अपन ने मान लिया लेट ए बी सी तीन एलिमेंट है रियल नंबर के। अब देखो दोस्तों एसोसिएटिव के लिए अपने को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एक बार तो ए रिंग डॉट बी और रिंग डॉट सी निकालना पड़ेगा, एक बार तो ये निकालना पड़ेगा, और फिर एक बार ए को बार ले लेंगे और जो अपना ब्रैकेट है वो बी और सी पे। तो ए रिंग डॉट बी को अपन ने को परिभाषित किया गया है ए प्लस बी माइनस ए बी और रिंग डॉट सी, सही है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आप ये जो पूरा है उसको मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा। तो इस पूरे को आपने अल्फा माना तो ये बना अल्फा रिंग डॉट सी, अल्फा रिंग डॉट सी। तो अल्फा रिंग डॉट सी जैसे इस पूरे को मान लो अल्फा, तो ये अल्फा रिंग डॉट सी, तो इसको क्या लिखोगे अल्फा प्लस सी माइनस अल्फा सी, ऐसे लिखोगे ना। तो आप बताओ क्या लिखोगे अल्फा, अल्फा तो ये अल्फा इसको माना है अल्फा प्लस सी माइनस अल्फा सी, तो अल्फा तो क्या ए प्लस बी माइनस ए बी और अल्फा सी, सही है भाई। इस पूरे को माना मैंने अल्फा मान लिया तो ये तो अल्फा प्लस सी माइनस अल्फा इंटू सी। इसको सोल्व किया तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और इसको गुणा किया तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी प्लस का ए बी सी, ये बना दोस्तों। इसी प्रकार अगर अपन बात करें ए रिंग डॉट बी रिंग डॉट सी की, ए रिंग डॉट बी रिंग डॉट सी की, तो इसको बोलेंगे ए रिंग डॉट, इसको लिखेंगे बी प्लस सी माइनस बी सी, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब जैसे इसको बीटा मान लो तो ए रिंग डॉट बीटा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बीटा माइनस ए बीटा, तो ए प्लस बीटा माइनस ए बीटा, तो बीटा की जगह बी प्लस सी माइनस बी सी, गुणा किया ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस का बी सी। तो बताओ दोस्तों यहाँ से और यहाँ से दोनों बराबर आए, स्पष्ट है कि ए रिंग डॉट बी रिंग डॉट सी बराबर ए रिंग डॉट बी रिंग डॉट सी, और ये प्रत्येक के लिए फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। चलो कम्यूटेटिव बता दिया, एसोसिएटिव, अब आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में दोस्तों हम क्या बात करें कि आप अपनी तरफ से कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे एक्स मान लो और एक रियल नंबर है ए, वैसे तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स मान रहे हो वो भी रियल नंबर ही होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स मान लिया और ए अपने एक रियल नंबर ले लिया, तो बताओ आइडेंटिटी को ए से गुणा करने से क्या आएगा, ए ही आएगा क्योंकि एक्स तो आपने क्या माना है आइडेंटिटी। तो मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर का तत्समक अवयव है, का क्या है तत्समक अवयव है
तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की तत्समक अवयव की परिभाषा है, देखो दोस्तों क्या होगा, आइडेंटिटी एक्स को मन है, संक्रिया रिंग डॉट लगानी पड़ेगी, अपने इक्वेशन में दिया है, ए से गुणा करने से बताओ ये क्या बना, एलिमेंट ही आना चाहिए एक्स को ए से गुणा करने से, और इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो ए रिंग डॉट एक्स। अब देखो ये परिभाषित करके कैसे दिया है, जैसे ए को बी से गुणा करते हैं तो ए प्लस बी माइनस ए बी होता है, तो ये एक्स प्लस ए प्लस का एक्स ए बराबर ई, दोनों तरफ से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स प्लस एक्स ए बराबर जीरो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स कॉमन आ गया वन प्लस ए बराबर जीरो, तो इम्प्लाई या तो एक्स बराबर जीरो या तो ये जीरो या फिर या तो एक्स बराबर जीरो या फिर ए का मान माइनस वन। लेकिन अपन ने तो आइडेंटिटी किसको माना था, अपन ने तो आइडेंटिटी एक्स को माना था, इसलिए एक्स बराबर जीरो बिलोंग्स टू आर का क्या है, का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी बता दिया। अब आर के किन अवयवों का प्रतिलोम है और क्या है वो देख लेते हैं अपन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बता दिया, चौथा प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं, प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं तो मान लो लेट, देखो दोस्तों प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए आइडेंटिटी की जरूरत होती है हमेशा, तो आइडेंटिटी अपन पहले निकालते हैं, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू आर किसी अवयव, एक्स जो है वो किसी अवयव ए बिलोंग्स टू आर का, मान लेते हैं ये रियल नंबर वाला है इसको डबल बार लिखते हैं, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर किसी अवयव ए बिलोंग्स टू आर का प्रतिलोम है, तो अगर प्रतिलोम है तो प्रतिलोम की परिभाषा से, तो प्रतिलोम की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से देखो क्या होता है, प्रतिलोम की परिभाषा में क्या होता है कि एक्स एलिमेंट है उसको आपने ए का प्रतिलोम है, तो एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या आना चाहिए, अगर एक्स एक्स है वो ए का प्रतिलोम है तो एक्स को आपने ए से गुणा किया तो जो आना चाहिए वो आना चाहिए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है जीरो, तभी तो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, तभी तो अपन आइडेंटिटी पहले निकालते हैं, एक्स को ए से गुणा किया तो जीरो, उसको ए रिंग रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो एक्स को ए से किया तो इसको जैसा क्वेश्चन में दिया है एक्स ए बराबर जीरो, यहाँ अपने को तो एक्स का मान निकालना है, एक्स वन प्लस ए प्लस ए बराबर जीरो, एक्स वन प्लस ए बराबर माइनस ए, तो यहाँ से एक्स बराबर माइनस ए अपॉन वन प्लस ए आया। अब दोस्तों देखो ए है वो रियल नंबर है, ठीक है ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि ए प्लस वन का मान जीरो नहीं हो सकता, अगर a प्लस वन का मान जीरो हो गया तो फिर तो x का प्रतिलोम कुछ हुआ ही नहीं, सही है ना, अच्छा a का प्रतिलोम x निकल के आ रहा है तो बताओ फिर अगर a प्लस वन जीरो हो गया तो x कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो कह सकता हूँ कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अतः a नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए, a नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए
ए बिलोंग्स टू आर का प्रतिलोम, का प्रतिलोम क्या प्राप्त होता है, माइनस ए अपॉन ए प्लस वन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किस एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए। अगर ए बराबर माइनस वन हो गया तो बताओ कुछ इन्वर्स आएगा क्या, नहीं आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी अपने को सेट दिया था उसमें ए नॉट इक्वल टू वन के लिए प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अपने को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम प्राप्त हो रहा है। ए बराबर माइनस वन के लिए अपने को प्रतिलोम नहीं मिल रहा, तो ये अपनी कंडीशन थी जो अपने को रिक्वायर्ड सिद्ध करवाया था वो मैंने किया है। अब दोस्तों जो अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है उसके जैसे आपको क्वेश्चन करने हैं घर जाके, कुछ क्वेश्चन है अनसोलो, मैं बता रहा हूँ आपको अनसोलो कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये 1.1 की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड ए की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकंड ए की। तो क्वेश्चन जो है आपको करना है 19वां क्वेश्चन करना है आपको, 20वां क्वेश्चन करना है आपको, 21वां क्वेश्चन करना है आपको और 23वां तो ऐसा ही है जैसा मैंने करवाया है, नहीं 24वां भी ऐसा ही है। ये चार क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू के करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, नहीं आए तो बताना दोस्तों, ये चार क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 क्रमित युग्म का है ये और बताते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों इनको करना और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं 19, 20, 21, 23 उनको आप करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।